गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमने शुरू किया हुआ है हमारा प्रैक्टिस सेट 12.2, और इसके पूर्व हमने प्रैक्टिस सेट 12.2 के ये प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 देख लिए हैं, और जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास इज 13:7। तो ये प्रॉब्लम हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमने कल लिख लिया था, और ये प्रॉब्लम लिख लेने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे शुरुआत में डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, लेट द वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास ये 13x, मान के चलते हैं कि कॉपर का जो भी वेट है ब्रास में 13x, एंड द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास इज 7x। ठीक है, मान के चलते हैं कि कॉपर का जो वेट है वो 13x है और जिंक का जो वेट है वो 7x है। अब टोटल वेट जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, टोटल वेट इज इक्वल टू 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 20x। ये हो गया बेटा हमारा जो टोटल वेट है, मतलब कॉपर और जिंक का ब्रास में, वो 20x हमको मिल गया। बट यहाँ पे वेट ऑफ ब्रास, वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल जो है वो 700 ग्राम यहाँ पे बताया गया बेटा। सॉरी, हमें जिंक का जो वेट है ब्रास में कैलकुलेट करना है, बट टोटल वेट ऑफ यूटेंसिल, ब्रास यूटेंसिल जो है वो 700 ग्राम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बट टोटल वेट ऑफ ब्रास इज 700 ग्राम। देयरफोर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि टोटल वेट जो हमने अभी फाइंड किया वो 20x है, और टोटल वेट ऑफ ब्रास 700 ग्राम है, दोनों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफोर 20x इज इक्वल टू 700 ग्राम। अब एक्स इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं बेटा, 700 अपॉन 20, तो ये 0 0 गेट कैंसिल। तो अब यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, और देयरफोर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 35 लिख लेते हैं। अब जैसे आपको पता चल गया है कि x की वैल्यू जो है वो 35 हमको मिल गई है। अब वेट ऑफ जिंक हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। नाउ वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल इज, जिंक का ब्रास यूटेंसिल में कितने लिए थे हमने, 7x लिए थे, तो 7x इज इक्वल टू 7 × x इज इक्वल टू 35। तो 7 × 35 कितने होंगे बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा 245 ग्राम। तो ये हमें वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो द प्रॉब्लम नंबर 4 इज, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। मतलब ये देखा जाए तो ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, तो ये हमें सॉल्व करके देखना है। लिख लेते हैं इस प्रॉब्लम को, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। लेट द 3 नंबर्स आर x + 1 x - 1। मतलब ऐसे 3 नंबर्स है बेटा कि जो हम लोग x, एक नंबर हम लोग उसमें से कंसिडर करेंगे, दूसरा x + 1 और तीसरा x - 1 हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, ये लिख लेने के बाद हमें यहाँ पे उसकी जो सम है वो कैलकुलेट करनी है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू x + x + 1 + x - 1। तो देखिए x + x + x यानी क्या होता है बेटा, 3x + 1 - 1 गेट कैंसल,
तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाता है 3x। ओके, तो 3x प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू, प्लस वन माइनस वन मीन्स इक्वल टू जीरो, और 3x प्लस जीरो इज 3x। तो यहाँ पे हमें 3x मिलने के बाद अब थोड़ा प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना है। प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे बोला गया बेटा कि फाइंड अ थ्री कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। तो यहाँ पे जो सम है हमें मिल चुकी है, वो जो है वो 45 से बड़ी है और 54 से छोटी है बेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो भी कंडीशन आपको दी है वो एज इट इज यहाँ पे लिखी है। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज मोर देन 45 एंड लेस देन 54, देयर फोर अगर मान लीजिए कि 3x मैं यहाँ पे बीच में लिख लेता हूँ, तो ये जो संख्या है वो यहाँ पे 45 से बड़ी होनी चाहिए। तो 45 इज ग्रेटर देन 3x, एंड ये जो 3x है वो लेस देन क्या होनी चाहिए बेटा, 54। अब ये 54 होने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग इन तीनों संख्याओं को 3 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखेंगे बेटा ऑन डिवाइडिंग बाय 3, देयर फोर 15 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 17 होगा, है ना, सॉरी। तो यहाँ पे बेटा आपका जो आंसर है वो 17 नहीं, यहाँ पे आएगा 18, 18 3 द 54, है ना। तो एक्स जो संख्या है वो 15 और 18 के बीच में आने वाली है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो एक्स जो है वो एक तो 16 हो सकती है या 17 हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस एक्स इज इक्वल टू 16 और एक्स इज इक्वल टू 17, मतलब 15 और 18 के बीच में आने वाली एक्स ये दो संख्याएं हैं, 16 और 17। तो जैसे हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिया था, फर्स्ट नंबर इफ एक्स इज इक्वल टू 16, देयर फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 16 प्लस वन इज इक्वल टू 17, एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 16 माइनस वन इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 16 लेने से हमें तीन संख्याएं कौन सी मिली है, 15 16 17, है ना। एंड फर्स्ट नंबर इफ एक्स इज इक्वल टू 17, देयर फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 17 प्लस वन इज इक्वल टू 18, एंड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 17 माइनस वन इज इक्वल टू 16। तो देखिए बेटा हमें यहाँ पे तीन संख्याएं मिल रही हैं, ये 15 16 और 17, वैसे ही 16 17 और 18, ऐसे तीन संख्याएं हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। तो हम आखिरी में यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द थ्री कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर विल बी 15, 16, 17, पहले ये तीन संख्या लिख लेते हैं 15 16 17, या फिर ये नेक्स्ट वाली तीन संख्या लिख लेते बेटा 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल बहुत ही आसान है, वैसे देखा जाए तो इसे पढ़ने के बाद हमें समझ में तो आ नहीं रहा है, पर जब मैं अभी इसे सॉल्व करके बताऊंगा तो आप इसे इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समझ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर और यूनिट प्लेस नंबर, यहाँ पे दो ऐसे नंबर बताए गए हैं, है ना। तो टू डिजिट नंबर हम लोग यहाँ पे 10 कंसिडर करेंगे, और यूनिट प्लेस नंबर यहाँ पे हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में हम लोग लिख लेते हैं लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज एक्स एंड द टू डिजिट नंबर
इज 10x, मतलब यूनिट प्लस डिजिट x है और टू डिजिट नंबर क्या है बेटा 10x है। अब ये दोनों नंबर याद रखिए आप लोग, x और 10x। अब ये x और 10x लिख लेने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट द 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे, देयर फोर ओरिजिनल नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हाँ देयर फोर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द डिजिट, डिजिट एट द 10th प्लेस इज ट्वाइस, ठीक है ना, डिजिट एट द 10th प्लेस मतलब 10th प्लेस वाले डिजिट को हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस द डिजिट ऑफ 10th प्लेस एड विथ यूनिट प्लेस, एड विथ यूनिट प्लेस यानी कि x, तो 2 इंटू 10x इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 10x यानी कितना होता बेटा 20x प्लस x, यानी कि आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा बेटा 21x। तो ओरिजिनल नंबर हमें यहाँ पे 21x मिल जाता है, जिसमें हमने यूनिट प्लस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 10 प्लस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट प्लस के साथ सम किया तो हमें 21x मिला। अब यहाँ पे बोला गया है इफ़ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अब हमें क्या करना है कि इन डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, मतलब हमें क्या करना है 2 इंटू यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू एक्स प्लस हमें 10x को इसे इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो दो जो है वो 10 प्लेस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 10x अलग रहेगा, तो 10x प्लस 10x हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं After interchanging the digits, we get is equal to, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 into x plus 10x। अब 2 into x है नहीं होता है बेटा 2x और 10x दोनों को मिला के अब यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा 12x। अब यहाँ पे जो कंडीशन आपको टेक्स एग्जाम्पल में दी गई है, इफ़ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66। मतलब जो अभी हमने नंबर किया हुआ है एड इंटरचेंज करने के बाद, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो 12x हमें यहाँ पे मिला हुआ है उसे जोड़ना है बेटा ओरिजिनल नंबर के साथ। ओरिजिनल नंबर हमें कितना मिला था 21x, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66। देयरफॉर ये कंडीशन के हिसाब से इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला नंबर था हमारा 12x और ओरिजिनल नंबर था हमारा 21x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 66। अब 12 और 21 यानी क्या होता है बेटा 33x इज इक्वल टू 66 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 66 अपॉन 33 इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 जो है वो आपको यहाँ पे जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है वो x इज इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब लिख लेने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था याद है बेटा आपको, ये पेज टर्न करिए, पेज टर्न करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा द यूनिट प्लस डिजिट इज x, तो x इज इक्वल टू आपको मिला है बेटा यहाँ पे 2 और हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड द नंबर फाइंड करना है जो कि ओरिजिनल नंबर था हमारा, ओरिजिनल नंबर ही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द यूनिट प्लेस नंबर इज एक्स इज इक्वल टू 2 एंड द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 21x, तो 21 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका इंटू 2
यहाँ पे आपको नंबर मिल लेता है बेटा इज इक्वल टू 42। तो यही हमारा देयरफॉर आप यहाँ पे आखिरी में लिख लेते हैं बेटा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया है बेटा। सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वेयर सोल्ड। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर दैन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वॉज ₹37,000। फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व करके ज़रूर देखेंगे, तब तक आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहीं पे हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।